आज की बड़ी खबर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के उस रिजॉर्ट पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है जहां गुजरात के 42 कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। कांग्रेस विधायकों वाले रिजॉर्ट पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। बेंगलुरु के ईगलटन रिजॉर्ट के अलावा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के घर भी छापा पड़ा है। आपको बता दें, डीके शिवकुमार ही कांग्रेस के 42 विधायकों के ठहरने का इंतजाम देख रहे हैं। छापे आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए, 49 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार के 35 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कांग्रेस विधायकों के रिजॉर्ट पर छापे में एक नया खुलासा हुआ है। छापे में शिवकुमार के दिल्ली वाले घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, और क्या जानकारी मिल रही है छापों से जुड़ी हुई? दिल्ली में 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो आयकर विभाग के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस छापे की योजना जो है वो लंबे समय से चल रही थी। काफी पड़ताल के बाद जो है वो इस छापे की योजना बनाई गई और फिर छापेमारी की गई। ये एक संयोग है कि इस समय में जब गुजरात के 40 से ज्यादा विधायक बेंगलुरु के नजदीक एक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं और चूंकि वहीं पर डी शिवकुमार भी ठहरे हुए थे, इसीलिए उनके कमरे की भी तलाशी ली गई। लिहाजा ये कहना गलत होगा कि उस रिजॉर्ट पर छापेमारी की गई, बल्कि वहां पर चूंकि वो ठहरे हुए थे इसलिए वहां पर भी उसकी तलाशी ली गई। 35 जगहों पर जो शिवकुमार और उनके सहयोगियों के अलग अलग ठिकाने हैं देश भर में, वहां पर छापा मारा गया है। दिल्ली में अकेले जो अगर मैं बात करूं, सफदरजंग इनक्लेव के एक घर पर जो है वो 5 करोड़ रुपए नकद मिले हैं और यहाँ पर अभी जो छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, जो कुछ भी मिल रहा है उसकी पड़ताल की जा रही है और उसके बाद देर शाम के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि फिर इस पर जो है आयकर विभाग के लोग पुख्ता जानकारी और देंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।